बुधवार को बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बूथ सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में क्षेत्र अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 2014 से लेकर 2022 तक जो कमजोर बूथ है उन बूथों को कैसे मजबूत बनाया जाए, पार्टी द्वारा एक बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है जो अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान में सांसद, विधायक, एमएलसी, राज्यसभा सांसद तथा पार्टी के बड़े नेताओं को कमजोर बूथ चिन्हित कराया जाएगा कि कैसे उन बूथों को मजबूत बनाया जाए। वहीं सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि देश, गांव, जिला तथा गरीब बच्चों की कैसे तरक्की होगी एवं कैसे रोजगार मुहैया होगा या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री बताएंगे कि 2024 के चुनाव में सभी कार्यकर्ता एक्टिव होकर काम करें और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एवं सदर सांसद रवि किशन ने कहा, सांसद रवि किशन बोले प्रणाम प्रणाम, देख रहे एकदम सुंदर लग रहे हो, लेटे हुए बड़े सुंदर लग रहे। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, पूरे देश भर में जो हमारे कमज़ोर बूथ हैं 2014, 2017, 2019, 2022 के चुनाव में हर विधानसभा और लोकसभा में जो हमारे कमज़ोर बूथ हैं उन बूथों को कैसे मजबूत बनाया जा सके, ऐसे एक अभियान पार्टी ने लिया है और 31 जुलाई तक ये अभियान चलेगा, बूथ सशक्तिकरण का अभियान। उस बूथ सशक्तिकरण के अभियान में हमारे पार्टी के सभी सीनियर नेता, हमारे सभी विधायक, हमारे एमएलसी, हमारे राज्यसभा के सदस्य, हमारे सांसद, सबको उन कमज़ोर बूथों के का टारगेट दिया जाएगा और 31 जुलाई तक उन बूथों पर जा करके कैसे उन बूथों को मजबूत बना सकें, इसकी दृष्टि से एक अभियान पार्टी ने लिया है जिसका उद्घाटन शुभारम्भ आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और गृह मंत्री जी कर रहे हैं। सभी जनपदों में हमारे जनपद के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, हमारे पार्टी के सीनियर नेता, हमारे सांसद इस सभी जनपदों में लाइव कार्यक्रम से जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को आगे अभियान को कैसे बढ़ाया जा सके अपने नेताओं के गाइडलाइन के आधार पर आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। गोरखपुर न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं सांसद रवि किशन शुक्ल प्रणाम करता हूँ। आज वीसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे तरक्की होगी देश की, कैसे तरक्की होगी गांव की, जिले की, उत्तर प्रदेश की, गरीब बच्चों की, कैसे रोज़गार मुहैया होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सांसदगण, विधायकगण, बूथ अध्यक्ष, बूथ से लेवल मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता सभी लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जो स्कीमें हैं पूज्य महाराज जी की राज सरकार की, उसको ज़मीन पर बताएँ। आप लोग कार्यरत रहें, 2024 का चुनाव आ रहा है, कैसे सब लोग एक्टिव होकर अपनी अपनी बातों को, कितनी योजनाएँ ज़मीन पर उतरी हैं उसको घर घर पहुंचाएं। आज ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ी मीटिंग है और बहुत ही देश के लिए, गांव देहात के लिए, किसान के लिए, गरीब गुरबा के लिए, छात्र के लिए, खासकर बेटियों के लिए ये मीटिंग में बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे और उस हिसाब से समस्त भारतीय जनता पार्टी का जो 18 करोड़ का कार्यकर्ता का एक वर्ग है वो अपनी ज़मीन पर उतरेगा और यहाँ से लेकर 2024 तक चुनाव तक ज़मीन पर काम करेगा।